An Academy. Hello everyone. Let's crack it. तो 90 days में क्या नीट क्रैक कर सकते हैं? काफी मन में थॉट्स आते होंगे और आपने ऐसे वीडियोस भी देखी होंगी कि भैया 90 days में यहाँ से पढ़ लो, ये कवर कर लो, वो पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं सच्चाई ये है, हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि अगर 90 days में आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहली सबसे बड़ी जंग होती है आपकी खुद से, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो माइंडसेट है, अगर आपने उसको ठीक कर लिया वो सबसे बड़ा एलिमेंट है अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए 90 डेज में। तो इस वीडियो में हम इस हिडन चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ एक्सपीरियंस अनअकैडमी के फैकल्टीज हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाया है और जो ये हिडन पॉइंट है इसी को हम हाईलाइट करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वीडियो में अपनी साइकोलॉजी को कैसे जीतें, अपने माइंडसेट को कैसे रिजिड कर लें जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो रितु मैम, आप मुझे बताओ कि इतने आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है आखिरी 90 डेज में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फियर क्या रहता है, क्या साइकोलॉजी रहती है स्टूडेंट्स की? हम इस टाइम तक आते आते ना हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और ये बात ये नहीं कि सिर्फ बच्चे कर लेते हैं, जब मैं बच्ची थी मैंने भी कर लिया था इस टाइम तक कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो हार से पहले हार मान जाना, एक्चुअल बैटल को फेस करने से पहले ही हार मान जाना, ये सबसे बड़ा रोड़ा है किसी भी इंसान की सक्सेस को लेके, क्यों स्टूडेंट्स की क्यों बात करें हम लोग। बिल्कुल। मैम आप बताओ। सी मैम देखो, होता है ना कई बार हम कुआं खोद रहे हैं पानी निकलने वाला है और जब बस निकलने ही वाला होता है उस समय कई बार बच्चा हार मान जाता है। तो इस समय मुझे ऐसा लगता है मेनी स्टूडेंट्स हैव मेड अप देयर माइंड, जैसा कि मैम ने बताया, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना उनको डिमोटिवेशन हो रही है पीछे से, उनके शायद नंबर अभी कम आ रहे हैं, शायद वो कंपैरिजन जब करते हैं अपने साथ वाले बच्चों से उनको लगता है कि यार मेरा स्कोर कॉन्स्टेंटली कम आ रहा है, मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करूंगा, इतनी कम सीट्स हैं। बट वो ये रियलाइज नहीं कर रहा कि सब कुछ ये जो एक्चुअल बैटल है ये आपके माइंड की बैटल है। ये पढ़ाई तो देखो बहुत लोग कर रहे हैं, सबको पता है कहाँ से पढ़ना है, कौन सी अच्छी बुक्स हैं, कौन से अच्छे टीचर्स हैं, क्या सिलेबस है, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो यहाँ माइंड से पहले ही जीत जाता है, पहले ही सोच लेते हैं कि यार मैं कर सकता हूँ। देखो अगर अभी से हार मान लेंगे कि नहीं कर सकता तो यार तुम्हें तो छोड़ ही देना चाहिए, तुम जाओ अब अगले साल भी, मुझे तो डाउटफुल लगता है। बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स, आपका ये चीज एटीट्यूड दिखाती है कि आप अभी जंग शुरू होने से पहले ही बैकआउट कर चुके हो। तो यार जो जितने महीने भी हैं, आपने बोला 90 दिन है, मैं कहती हूँ 90 क्या 40 दिन हो, एक दिन हो, 10 दिन हो, आपके माइंड सेट में ये रहना चाहिए कि यार अगर मैं पेपर दे रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट करके दूंगा एंड देन वी लीव द रेस्ट टू गॉड। अगर आपने मेहनत किया तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। एग्जैक्टली। अंजलि मैम आप बताओ क्या? हाँ, तो जैसा मैम ने बोला, रितु मैम ने, डर बहुत ज्यादा, बच्चे डर जाते हैं। एंड मैं बच्चों को क्लास में एक लाइन बोलती हूँ, यार तुम लोग मरने से पहले भूत क्यों बन जाते हो, राइट? बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है ना कि कहीं ना कहीं बच्चे 3 महीने पहले इतना डिमोटिवेट होते हैं कि वो आज पे फोकस नहीं कर पाते कि आज क्या करना है, हमें आज क्या पढ़ना है, वो 3 महीने बाद की सोच रहे हैं कि 3 महीने बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पापा मम्मी क्या करेंगे, हमारी लाइफ के साथ क्या होगा, लड़कियों में हमारी शादी करा दी जाएगी, लड़के अलग सोच रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि 3 महीने का सोचो ही मत, 3 महीने का जो होगा हम बाद की बात है, भगवान के भरोसे, भगवान देखेंगे। हम आज क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करें तो शायद 3 महीने में हम कुछ अलग ही कर दिखाएं। तो बेटर टू फोकस इन वन, कि भाई एक दिन फोकस करो, उस दिन पे रहो और उस दिन को अपना एक सक्सेसफुल डे बनाओ कि आज मैंने फोड़ा है। हर दिन फोड़ोगे तो 3 महीने बाद तुम कुछ अलग ही बड़ी चीज फोड़ के दिखाओगे। सोचने से ज्यादा करने पे बिलीव करो, राइट? सोचते रहोगे तो यार टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे 1.5 साल निकला वैसे 3 महीने भी निकल जाएंगे, छोटे जल्दी निकलेंगे। छोटे 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 सक्सेस लो, एक दिन का सक्सेस, और वो एक एक दिन का सक्सेस ना लॉन्ग रन में बहुत बड़ा सक्सेस बनता है। बिल्कुल। इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, सभी बच्चों के लिए बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं तो हम किस चीज से, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो किस चीज से मैं रोज जूझती हूँ? फियर आपका तब तक नहीं पीछे छोड़ेगा जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे। चाहे तुम आज फेस कर लो अपनी नीट की प्रिपरेशन में, कल को जॉब में फेस कर लेना, ना तो कॉलेज में फेस कर लेना, नहीं तो अपनी शादी वाली लाइफ में फेस कर लेना। यू विल हैव टू फेस योर फियर्स, एक बार फेस कर लो ना, जितनी जल्दी करोगे उतना पीछे जल्दी छूट जाएगा फियर से। एंड आई गेस हम अभी भी करते हैं, हर रोज कर रहे हैं। कितनी भी एज हो जाए आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपने नहीं सुनी होगी इतनी फेमस एड है यार, डरो मत, डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली। और एक चीज है, जब हमारा फॉल्स कॉन्फिडेंस गिरता है ना, जब हम डरते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, गिरने दो उसको एक बार,
फिर उसके अंदर से जो निकलता है ना वो बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस निकलता है। और उसको फेस करके देखो एक बार, डर लग रहा है लगो फिर भी पढ़ते रहो, देखना एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जिसे कोई गिरा नहीं पाएगा। वो एक्चुअल कॉन्फिडेंस है जो तुम्हारी मेहनत से आएगा। एग्जैक्टली आपने सुना ही होगा कि यार ऐसा नहीं है कि हर टॉपर भी जो है ना उसने भी बैड फेसेस देखे होंगे अपनी पूरी जर्नी में। जर्नी इज नॉट लाइक कि एक ऐसे ग्राफ चल रहा है वो ऊपर ही जा रहा है, नहीं बेटा हर एक के ग्राफ नीचे जाता है ऊपर जाता है। आपको अपने आप को उठाना रहता है कि यार मेरे आज नंबर कम आए, कोई बात नहीं, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क ऑन माई मिस्टेक्स, मैं अपनी सारी चीजों को दोबारा से रिव्यू करूंगी एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। एंड मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूंगी कि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे, जैसे मैंने भी बताया, 3 महीने पहले हार मान के पढ़ना छोड़ दिया। बट एक मैंने बहुत एक महान शख्स की वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था कि अगर आप जर्नी के फ्रूट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जर्नी, आपने कितनी मेहनत करी, जर्नी को कैसे जिए आप। अगर आप हर दिन मेहनत करना सीख जाओ, नो मैटर अगर एक मैं वर्स्ट केस में बोल रही हूँ आपने नहीं किया, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, बट जो आपने मेहनत करना सीखा ना, ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगी और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो आपके काम आने ही वाली है। देखो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि एग्जाम जब खत्म होता है ना तब तुम्हें ये लगना चाहिए कि यार मेरे हाथ में जितना था ना मैं उतना कर चुका हूँ, ये फीलिंग सबसे बड़ी है। उसके बाद तुम्हारा क्रैक हो ना हो वो एक सेपरेट चीज है, बट आप उसके लिए बिल्कुल भी कमी पेशी ना छोड़ो। आपको एग्जाम देके लगना चाहिए कि यार आई गेव माई 100%, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, बस वही सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप नोटिस करेंगे कि जब तुम ये सेटिस्फेक्शन लेके आओगे ना, सक्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आएगा। मैम आपकी बात से मुझे ध्यान आया, मैंने मेहनत करना अपने नीट की प्रिपरेशन की एक्चुअल में, मतलब उसके बाद से ऐसा कुछ हो गया कि मैं बैठती हूँ और मुझे लगता है कि क्या मैं ये टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर रही हूँ या ये टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ। उससे पहले नहीं सोचती थी मैं, नीट ने मुझे मेहनत करना सिखाया। मुझे भी नीट ने मेहनत करना सिखाया। और हमारा नो मैटर, हमारा मैम आपका भी एग्जाम क्लियर नहीं हुई, मेरी भी एग्जाम क्लियर नहीं हुई, बट ठीक है ना, इट्स ओके, हमने मेहनत करना सीखा अपनी जर्नी से और ये बहुत बड़ी बात है। फ्रूट के बारे में मत सोचो, जर्नी को जियो, मेहनत करो। सो गाइस हम बात कर रहे हैं कि लास्ट 3 महीने में 4 महीने में माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसा होता है जनरली बच्चों का। तो आयुष से पूछते हैं जो खुद IIT के स्टूडेंट है कि उनके लास्ट 3 महीने कैसे रहे हैं। आयुष मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मैं क्लास 11th में था ना तो आई वॉज वेरी ब्राइट और मैं बहुत, जैसे ना हर एक नीट एस्पिरेंट जैसे होता है, बहुत पैशनेट था कि भाई फोड़ रख देंगे, IIT बॉम्बे जाएंगे, IIT दिल्ली जाएंगे। और सच्ची बताऊँ कुछ टाइम तक वो हुआ भी, देन अगेन जो अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शंस, पेरेंट्स से लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, पता नहीं क्या क्या हो गया, एंड आई लिटरली वेस्टेड माई होल 2 years। सही से पढ़ा, कोशिश करी, 1 घंटा पढ़ा 2 घंटा पढ़ा, सब वेस्ट कर दिया। अब जब बच्चों 3 महीने थे ना, मन में एक ही थॉट आता था, मैं डिजर्व नहीं करता IIT जाना। इवन इफ मुझे लग रहा है मेरे पास पोटेंशियल है, बट मुझे लगता है मैंने इतनी गलतियां कर दी ना लाइफ में, ये एक IIT एस्पिरेंट ऐसा नहीं करता है, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। तो ये नेगेटिविटी बहुत भर गया कि मुझसे तो और बच्चे ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट कर रहा था, बाकी लोग तो पढ़ रहे थे ना। एक्चुअली ये भी गलत चीज होती है, हमको लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में बाकी लोग भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बट हम अपने आपको बहुत नीचा मान लेते हैं। फिर मैम देखो, फिर जब 3 महीने, जब 2 महीने अराउंड बचे थे, देन आई रियलाइज्ड कि भाई अब बहुत हो गया। 2 महीने जब बचे थे, मैं लिटरली हर दिन, सच बोलूंगा, 10 घंटे पढ़ाई किया, सब कुछ भूल भाल गया, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। ये मैंने ना अपना चैलेंज ले रखा था, जैसे 5 पे का ना जेल पेन आता था, चैलेंज था 2 महीने के लिए हर दिन इस पेन की एक रिफिल खत्म करके रहूंगा। हमारे में बायो नहीं होती थी, मैथ्स होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा एवरी डे, जब तक पेन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक करता रहूंगा। 10 घंटे में पेन खत्म हो जाता था। और मैं आपको ना एक डंके की चोट पे अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, आपकी लाइफ का जो बेस्ट फेज है उससे जस्ट पहले लाइफ का वर्स्ट फेज आता है। आपने वो पार कर लिया ना दोस्त, आपकी लाइफ का बेस्ट फेज आ जाएगा। दिस इज हाउ द नेचर वर्क्स। तो मैंने जब वो वर्स्ट फेज कर लिया ना, उसके बाद मुझे बेस्ट फेस, मेरे को अपना IIT मिला। उसके बाद वो जो एक सपना था, मैं लिटरली जब मैं भी ड्रॉपर हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा भी IIT नहीं निकला था, आई सॉ माय मदर क्राइंग, आई सॉ माय फादर, मेरे पापा रोते नहीं बट पापा के आंख में आंसू थे कि भाई बेटा तो इतना था पढ़ाई में अच्छा। उनको मैं नहीं बता पाया ना कि रिलेशनशिप में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको बता रहा था कि मैं कर नहीं पाया, मैं काबिल नहीं हूँ। तो आई सॉ दैट टीयर्स, वो वर्स्ट फेस देखा, बट अगेन उठा, सिलेक्शन लिया, IIT की डिग्री ले ली। अब इस वीडियो को देख के लोग ब्रेकअप करने वाले।
ब्रेकअप इज वन चैलेंज, और भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं बच्चों के साथ, कई बार उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती है, मतलब मोटिवेशन नो डाउट बच्चा बाहर कब खोजता है, जब शायद वो खुद मोटिवेटेड नहीं है और उसके आसपास ऐसे लोग नहीं है जो उसको शायद इतना यस नेगेटिव एनवायरनमेंट। सबसे जैसे कुछ पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स का ये होता है, जैसे मैंने कोई गलती करी, कुछ पेरेंट्स कहते कोई बात नहीं बेटा, कुछ पेरेंट्स होते हैं अबे तुमसे तो हो ही नहीं पाता, हटो, या ये ना एक्चुअली बहुत गलत पेरेंटिंग हो जाती है। मतलब नॉट टू क्वेश्चन एनी वन, बट कई बारी ना बच्चे को आपसे, आप क्योंकि सबसे ज्यादा आपने 16 साल उस बच्चे के साथ वक्त बिताया, आप जितना उस बच्चे को जानते हो उतना कोई नहीं जानता, और जो चीज आप बोलते हैं, पेरेंट जो बोलते हैं, बच्चा उसको बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। तो अगर हम कभी भी नेगेटिव वर्ड निकालेंगे कि बेटा इसको छोड़ दो, कुछ और कर लो, बीएससी कर लो, बीडीएस कर लो, और अपनों की बातें ना ज्यादा डीमोटिवेट कर जाती है, वो डीमोटिवेट बहुत ज्यादा। एक कहीं ना कहीं आप जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार होता है ना हम अपनी मम्मी से पूछते हैं हो जाएगा ना, सही मेहनत करो ना हो जाएगा ना, वो हाँ हाँ करते रहते हैं, पता उनको भी नहीं है बट वो हाँ करते रहते, अच्छा लगता है दिल को। वही है सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल आपके एटीट्यूड का है। तो आप अपने अराउंड बेटा उन्हीं लोगों से सराउंड करो जितना पॉसिबल हो सकता है जो आपको इस जर्नी में थोड़ा मोटिवेट करते हो। और जब हमें कोई नेगेटिव वर्ड्स बोलता है हम उसको बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। अगर 10 लोग हमें प्रेज कर रहे हैं हम सोचते हैं क्या यार मैं इस प्रेज के लायक हूँ, नहीं नहीं यार ये तो मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने गलत बोल दिया यार ये इसको पता है। नेगेटिविटी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना, इतना क्या प्यार है। बिल्कुल सही बात है, बट जो इसमें ओवरकम कर गया वो जीत जाता है लाइफ में। सही बात, बिल्कुल। तो अपने लास्ट और सबसे इफेक्टिव चीज पे आते हैं मैम, आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, पर्सनली आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानते होंगे जिन्होंने आखिरी मोमेंट में जेन्युइनली उखाड़ा है, बहुत लो फेस से उठ के उन लोगों ने सिलेक्शन पाया है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। स्टूडेंट से ज्यादा ना मुझे अपनी क्लासमेट का एग्जांपल याद आता है, क्योंकि वो ना बिल्कुल मेरे सामने सामने, क्योंकि मैं भी तो उस टाइम पढ़ती थी ना, तो आई रिलेट। हाँ, बहुत करीबी एग्जांपल है वो। सो जो स्टूडेंट्स इस वक्त सबसे, मतलब मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा किसी स्टूडेंट को तोड़ता है ना वो गिल्ट होती है कि भैया मैंने नहीं किया, पहले ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तो अब शायद मेरे लिए नहीं बननी है चीजें। तो मेरी एक फ्रेंड होती थी, मेरी क्लासमेट होती थी, वो मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं होता था उस टाइम पे जब मैं 11वीं 12वीं में थी, उसका था। तो मैं सोचती थी यार इसका तो नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिलेशनशिप हो गया तो अब तो फिर तो अब तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ऐसे सिखाते थे ना हम लोगों को ये बातें। वो संडेज को मूवी देखने भी चली जाती थी, मैं नहीं जाती थी क्योंकि भैया सिखाया जाता है कि आपने मूवी क्या देख ली, आपका तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा इस। तो मैं पढ़ती भी रहती थी, पर शायद ना मैं उस फोकस और उस कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ती थी जिसकी ज़रूरत थी। और वो क्या करती थी, वो मस्ती भी करती थी, लेकिन जब वो पढ़ती थी तो वो इतने फोकस से पढ़ती थी कि उसे ये भी नहीं आ रहा था कि कमरे में चार लोग पढ़ रहे हैं तो चार तीन लोग और भी हैं। कहने का मतलब वो अपने एंजॉयमेंट के लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेती थी, ठीक है, अपने और चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल लेती थी, और वो पढ़ाई को जब करती थी तो बड़े बड़े चंक्स में बहुत सीरियस होके, कंसिस्टेंट होके, फोकस होके करती थी। कहीं ना कहीं एक रिफ्रेशमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल, हम लोग एक ही स्कूल में थे, तो वो क्या करती थी, हम लोग जैसे पेपर से 15-20 मिनट पहले हताश हो जाते थे कि यार ये पेपर की तो पढ़ाई हुई नहीं, इसमें तो कुछ नहीं हमारे एंड तक, वो एंड मोमेंट तक पढ़ती थी, जब तक कि वो क्लास के अंदर जा रही है ना तब तक वो ऐसा देखती रहती थी, उसने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा वो तो भी पढ़ती हुई अंदर जाती थी और लास्ट में कॉपी रखती थी। हम लोग पहले हार मान जाते थे। Exactly. उसने भी वो दिया, एग्जाम दिया, हमने भी दिया। पहली काउंसलिंग में नहीं हुआ उसका, दूसरी काउंसलिंग में नहीं हुआ उसका, तीसरी काउंसलिंग में लास्ट में एंड में जाकर उसको MBBS की सीट मिली। तो वहां से मेरे को ये चीज पता चली, अपने से ज्यादा उसके एग्जाम्पल से मैंने ये चीज सीखा कि अगर आप लगे रहते हो, अगर आप लास्ट तक हार नहीं मानते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट यू फाइंड दैट सक्सेस। एग्जैक्टली और आखिरी 3 महीने में ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी होती है, आखिरी 3 महीने में जहाँ सबसे ज्यादा पढ़ना होता है ना, उसको पूरा था कि यार मैं तो IIT दे दो, मुझे चाहे नीट दे दो, मेरा तो हो ही जाएगा। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस था उसमें, और उसने ये जो 2 साल है वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ही पढ़ाई की कि मैं तो NTSC टॉपर हूँ और मेरा CBSE में भी बहुत अच्छा रैंक आया, मैं बहुत अच्छा नीट में फाड़ूंगा। बट आप रियलाइज नहीं करते कि जिस दिन आपको थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट कुछ भी ले लो, ओवर कॉन्फिडेंट हुआ ना, वही चीज आपको सबसे ज्यादा नुकसान देगा। यूज्ड टू बी लाइक सारे मॉक टेस्ट मैं दे दूंगा, बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। इनिशियली उसने करा भी, इनिशियली उसने 1 साल 11th में बहुत अच्छा स्कोर किया, बट जैसे 12th आई ना, अब
11th में तो बहुत कम बच्चा सीरियस होता है, 12th में जो जनता पहले सीरियस नहीं थी वो भी अब सीरियस हो गई हो जा रही है। तो उस टाइम धीरे धीरे उसका डाउनग्रेड शुरू हुआ एंड उसे पता भी नहीं चला कि पूरी 12th में बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड देन ही केम टू मी, ही क्राइड अ लॉट कि मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि यार ये बच्चा आज तक स्कूल में टॉप करके आया है, कैसे इस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में क्रैक नहीं हुआ। देन ही अगेन चाहता तो उस टाइम हार मान सकता था कि यार नहीं, बट देन उसने हिम्मत दिखाई, अगले साल फिर तैयारी की। थोड़ा सा ना एक टॉपर को बहुत फील होता है जब वो ड्रॉपर बनता है, ड्रॉपर उसके साथ के एवरेज बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं और अभी वो एज अ ड्रॉपर घूम रहा है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, फेस करना पड़ता है और होगी ये मान के चलो बेटा, प्रेशर है इस फील्ड में, फ्रस्ट्रेशन है इस फील्ड में, बट ये आपकी तैयारी हो रही है क्योंकि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, डॉक्टर बनने के बाद आपको बहुत सारा प्रेशर फेस करना होता है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो उसने वो सारी जर्नी पूरे फ्रस्ट्रेशन में बिताई, कभी कभी आके डिस्कस भी करता था कि मैम मतलब सबका हो गया, एक माइंड में आता है ना बीच बीच में कि यार पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, सबने बोला इतना इंटेलिजेंट है, मेरे पेरेंट्स क्या मुंह दिखाएंगे, बट देन इवेंचुअली ही डिड एंड आज वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में है। तो यार तुम्हारे भी लाइफ में जर्नी में लोज आए होंगे और शायद अभी भी लो फेज चल रहा होगा, बट द थिंग मैटर्स इज कि आने वाले आप 90 दिन किस हिसाब से अपना स्पेंड करते हैं और क्या एनर्जी के साथ अपना इनपुट देते हैं इसमें। अजी आप बता रहे थे मैं जस्ट बता रही थी, मेरे भी क्लासमेट थी, क्लासमेट नहीं एक्चुअली कोचिंग मेट बोलेंगे उसको, तो मेरे साथ कोचिंग में, मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, सामने वाली भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसके ना उसको एक साथ जॉन्डिस हुई, देन लीवर इन्फेक्शन हुआ, लिटरली 2 महीने उसने कोचिंग नहीं किए हैं। मैं बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ, मैम मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया, मैं बीमार थी, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं हो पाएगा, मेरा ये हो पाएगा। उस लड़की की डेडिकेशन मैंने देखी, मतलब हम उसको देख के डिप्रेस्ड हो जाते थे। वो 2 महीने कोचिंग नहीं आई है, उसके बाद जब वो आई है ना, एक टीचर जाते हैं फिर दूसरे टीचर आते हैं तो उनके बीच में 5 मिनट का गैप मिलता है, उस 5 मिनट में वो देखती नहीं थी आसपास कौन है, उस 5 मिनट में भी 4 सम्स बनाई पड़ी है, एक एक मिनट का यूज आखिरी के महीने में, मतलब एक एक लिटरली, मतलब मैं कह सकती हूँ ना लोग ऐसे डायलॉग देते, एक एक उसने सच में एक एक मिनट का इस्तेमाल किया था। हम देख के डिप्रेस्ड हो रहे हैं उसको कि भाई ये लड़की अगर ऐसा मैंने नाम ऐसा she used to do कि भाई रुक जाओ अभी मुझे पढ़ने दो, तो उसने 2-2 मिनट एक एक मिनट को नहीं छोड़ा, 5 मिनट के गैप में भी 5 सम्स बनाती थी वो, और उसने फोड़ लिया। वो आज कैलकटा के बहुत बेस्ट टॉप मेडिकल कॉलेज में है, कैलकटा मेडिकल कॉलेज, वो कैलकटा का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वो वहाँ पे है। 2 महीने बर्बाद, 3 महीने फाड़ दिया उसने लिटरली, तो या हो जाता है सिलेक्शन। तो ये 2-2, 1-1 महीने जो बर्बाद हो जाते हैं और आप बच्चे रोने लगते हो, 1 महीने बर्बाद हो गए, 2 महीने बर्बाद हो गए, 11th बर्बाद, 12th बर्बाद, पढ़ाई नहीं करी, मत सोचो जितने समय बचे हैं ना उसके एक एक मिनट को निचोड़ लो और फिर देखो क्या होता है, फिर देखो, फिर कुछ कुछ ना कुछ तो बढ़िया निकल के आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी तो मैं देती हूँ क्योंकि मैंने इतने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं। ये तो सबसे बेस्ट वाला था जो मैंने बताया अभी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा, आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, और अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो, आपको एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि भाई क्या माइंडसेट चाहिए और खुद से जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर नीट को क्रैक करना है। और लास्ट में आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ भी सक्सेस मिलने से पहले नेचर विल टेस्ट यू, एक बार नेचर आपका टेस्ट लेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये डिजर्व करता हूँ या करती हूँ ये सक्सेस। तो अगर आपके साथ वो ऐसा डिफिकल्ट फेस आ रहा है, वो नेचर की टेस्टिंग है दोस्त, सक्सीड कर जाना, लड़ते रहना, डेफिनेटली नीट क्रैक होगा। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।